वेलकम बैक टू माई चैनल स्वरांगन म्यूज़िक। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, मैं हर बार कहता हूँ आपको बहुत बढ़िया और बहुत आसान सॉन्ग, तो इस बार भी मैं लाया हूँ आपके लिए एक बहुत आसान और बहुत प्यारा सॉन्ग, अलका याग्निक जी और कुमार सानू जी ने गाया हुआ, दिल जाने जिगर तुझ पे में सार किया है, प्यार किया है रे तुझे प्यार किया है। और ये जो गाना है ये कौन सी मूवी का है शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी बता देता हूँ, साजन चले ससुराल आप सभी लोगों ने देखी होगी। गोविंदा जी और करिश्मा कपूर जी ने बहुत बढ़िया एक्टिंग की है इसमें, और ये गाना भी उन्हीं का है, बहुत बढ़िया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हो, आप लोगों को अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन दिख रही है उसको दबाइए, क्योंकि जो लेटेस्ट वीडियो है फिर वो आपको ही दिखेंगे, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगी और आप मेरे वीडियो को देख पाएंगे और इससे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सॉन्ग। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सॉन्ग हम ले रहे हैं डी शाफ्ट मध्य सप्तक की दूसरी गाली से, तो इसका जो राग है वो आप तब तक गेस करिए, मैं तब तक आपको सॉन्ग बजा के दिखाता हूँ। और हाँ, गेस करने के बाद मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए ये राग कौन सा है, उसके बाद मैं आपको तो बताऊँगा ही जब मैं स्लोली बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो।
फ्रेंड इस तरह से है पूरा गाना, और मैंने आपको कहा था कि ये गाना कौन से राग पे है ये आप गेस करिए। शायद आप लोगों ने गेस किया होगा, अगर नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये जो गाना है मैं अपने हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि मैं इसको ले रहा हूँ डी शार्प में, मैंने इसको लिया है मध्य सप्तक की दूसरी कली से। तो इस हिसाब से ये मेरा सा हो गया। तो ये सा होने के बाद इसमें जो स्वर लगे आप लोगों ने देखे होंगे मैंने कौन कौन से स्वर बजाए, तो फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि इसमें स्वर तीव्र, ये हमारा मत तीव्र है, मैं इसको दो मतलब नीचे भी ले रहा हूँ ऊपर भी बजा रहा हूँ, तो उसमें मैं आपको बता रहा हूँ म ये भी है और ये, तो मत तीव्र होने के कारण ये हमारा थाट हो रहा है बिलावल। तो ये जो राग ये जो सॉन्ग है वो बिलावल थाट का है, मतलब यमन राग। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसको अभी स्लोली एक एक लाइन, बहुत आसानी से आप इसको सीख पाएंगे म्यूजिक के साथ मैं आपको बताऊंगा। तो पहले जो म्यूजिक है वो देखिए, देखिए स्लोली, इसके बाद दूसरा म्यूजिक, देखिए इसको तीन बार लेना है, देखिए कैसे फिर से, बहुत आसान है पूरा म्यूजिक, फिर से मैं आपको एक बार बताता हूँ। तो इसके बाद चलो थे हमारी पहली लाइन, देखिए फिर से, और ये लाइन पहले जब बजेंगी उसके बाद और एक म्यूजिक है, वो म्यूजिक कैसे देखिए, बहुत आसान है, देखिए ये म्यूजिक होने के बाद फिर से वही लाइन बजेगी, उसके बाद हमारी दूसरी लाइन, देखिए और यही लाइन दूसरी बार जब बजेंगी तो, इस तरह से हो गए। तो उसके बाद एक म्यूजिक आता है तो वो देखिए कैसे है, देखिए फिर से, तो देखिए इसको स्लोली, इसके बाद दूसरा म्यूजिक जो नीचे है, इसको फास्ट लेना है, इसको दो बार लेना है, देखिए कैसे यहाँ पे रुकना है, फिर उसके बाद और छोटा सा एक म्यूजिक है जिसके बाद हमारे अंतरा की लाइन उसको ज्वाइन हो जाएगी।
तो इसके बाद है हमारी अंतरा की लाइन। देखिए स्लोली, देखिए स्लोली, इसके बाद वाली लाइन देखिए। वो देखिए कैसे, इसके बाद और एक इसका छोटा सा म्यूजिक जॉइंट है, वो देखिए कैसे। ये म्यूजिक होने के बाद फिर से हमारी दूसरी वाली जो अंतरा की लाइन है वो चालू होंगी और फिर हमारी स्थाई की लाइन। इस तरह से ही पूरा गाना है, तो आप लोगों को गाना समझ गया होगा। अगर आप लोगों को अभी भी गाना नहीं समझा है तो आप इसको रिपीट करके स्लो करके देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन दिख रही है उसको दबाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।